हेलो स्टूडेंट्स पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के अंतर्गत आने वाले पहलवान गुरुदीन महिला महाविद्यालय की इतिहास विभाग अध्यक्ष मैं साधना नागल एक बार फिर इतिहास का एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुई हूँ यह वीडियो आपके सिलेबस से संबंधित है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अपने स्टडी को नियमित रखने के लिए पहलवान गुरुदीन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेलाइकन दबाएँ ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे इस वीडियो में मैं आपको नेपोलियन की उपलब्धियों के बारे में बताऊंगी। नेपोलियन का सम्राट बनना प्रथम कौंसल का पद धारण करने के समय से ही नेपोलियन व्यक्तिगत शासन स्थापित करने का स्वप्न देखने लगा था 1802 सौ ईस्वी में सीनेट ने उसे जीवन पर्यंत कौंसल बनाया नेपोलियन के लिए जीवन पर्यंत कौंसल पद प्राप्त करना सम्राट पद के लिए पूर्व अभिनय था 1804 ईस्वी में सीनेट ने उसे फ्रांस का आनुवांशिक सम्राट घोषित किया सम्राट के रूप में नेपोलियन 1804 1804 से 1814। 2 दिसंबर 1804 को नेपोलियन का नोटरडम के गिरजाघर में राज्याभिषेक करके उसे विधिवत फ्रांस का सम्राट बना दिया गया फ्रांस की जनता द्वारा नेपोलियन के निरंकुश शासन को स्वीकार करने का कारण यह था कि जनता क्रांति के पश्चात की अराजकता एवं अव्यवस्था से परेशान हो गई थी इस दौरान समस्त व्यापार एवं उद्योग धंधे नष्ट हो गए। ऐसे समय में जनता को पूर्ण आशा थी कि एकमात्र नेपोलियन ही आंतरिक एवं बाह्य संकट से उनकी रक्षा कर सकता है फ्रांस की जनता शांति चाहती थी अतः नेपोलियन ने फ्रांसीसी समाज में समानता एवं स्वतंत्रता स्थापित करने का प्रयास किया यूरोप में प्रभुता का प्रयास मार्च 1802 में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच की संधि हुई थी। किंतु दोनों ही पक्ष एक दूसरे के प्रति अविश्वास रखते थे और भावी संघर्ष की तैयारी में संलग्न थे अंग्रेजों ने नेपोलियन के सम्मुख मांगे रखी जिनमें हॉलैंड तथा स्विट्जरलैंड को खाली करने माल्टा पर 10 वर्ष के लिए अंग्रेजों का अधिकार बनाए रखने तथा सार्डिनिया के राजा को पीड मॉन्ड के बदले हरजाना देने की मांग शामिल थी परंतु नेपोलियन ने इन मांगों को अस्वीकार कर दिया तथा 18 मई 1803 में इंग्लैंड में फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी वास्तव में यह दो देशों के बीच औपनिवेशिक और साम्राज्यवादी युद्ध था एक ओर इंग्लैंड फ्रांस को पूरी तरह परास्त कर अपने व्यापार को पूरे यूरोप और एशिया में फैलाना चाहता था दूसरी ओर फ्रांस इंग्लैंड की शक्ति को छीनकर संपूर्ण यूरोप को अपने अधीन करना चाहता था नेपोलियन ने इंग्लैंड को हराने व उसके व्यापार को नष्ट करने के लिए हैनोवर पर अधिकार कर लिया तथा जर्मनी के सभी बंदरगाह इंग्लैंड का माल ले जाने के लिए बंद कर दिए इसी बीच 1804 सौ ईस्वी में इंग्लैंड के पिट ने तीसरा गुट फ्रांस के विरुद्ध बना लिया इस तीसरे गुट में इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, रूस और स्वीडन सम्मिलित थे। रहा बबेरिया तथा बुलटमबर्ग नेपोलियन से मिल गए नेपोलियन ने इंग्लैंड पर आक्रमण करने के बजाय ऑस्ट्रिया पर आक्रमण करना उचित समझा नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया पर आक्रमण कर पर बीस अक्टूबर 1805 को उल्म पर अधिकार कर लिया 21 अक्टूबर 1805 को फ्रांस और इंग्लैंड के बीच प्रसिद्ध ट्राफलगर का जल युद्ध लड़ा गया इस युद्ध में फ्रांस तथा स्पेन का जहाजी बेड़ा पूर्णतया नष्ट हो गया ब्रिटेन की जल शक्ति सर्वोपरि साबित हुई लेकिन इसमें अंग्रेज जल सेना नायक नेल्सन मारा गया ट्राफलगर की यह पराजय फ्रांस के लिए इतनी भयंकर थी कि इसके पश्चात नेपोलियन ने सदैव के लिए समुद्र के मार्ग से इंग्लैंड के ऊपर आक्रमण करने की योजना त्याग दी नेपोलियन ने इस पराजय का बदला स्थल युद्धों में लिया 2 दिसंबर 1805 के ऑस्ट्रेड्स के युद्ध में प्रशा और ऑस्ट्रेलिया की मिलीजुली सेनाओं को नेपोलियन ने गहरी शिकस्त दी विवश होकर ऑस्ट्रिया को फ्रांस से प्रेसबर्ग की संधि 26 दिसंबर 1805 करनी पड़ी इस संधि में ऑस्ट्रिया को बहुत अपमान सहन करना पड़ा उसे फ्रांस को वेनेशिया और डालमेशिया तथा बवेरिया को टायरोड और बैडेन को बुलटमबर्ग के कुछ क्षेत्र सौंपने पड़े प्रेसबर्ग संधि के दूरगामी परिणाम निकले अब नेपोलियन राजाओं का निर्माता बन गया इस संधि का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम जर्मनी का पुनः निर्माण था उसने अनेक छोटे छोटे जर्मन राज्यों को समाप्त कर दिया और राइन राज्य संघ का निर्माण किया जिसमें बबेरिया बुलटमबर्ग तथा जर्मनी के अन्य चौदह राज्य सम्मिलित थे नए जर्मन संघ ने जर्मन, जर्मन राष्ट्र के प्रति अपनी भक्ति को त्याग कर नेपोलियन को अपना संरक्षक माना इसके बाद 6 अगस्त 1806 को पवित्र रोमन साम्राज्य का अंत कर दिया गया पवित्र रोमन साम्राज्य लगभग 1000 वर्षों से चला आ रहा था और जर्मनी की बहुत सी छोटी छोटी रियासतों पर उसका वर्चस्व बना हुआ राइन राज्य संघ के निर्माण के बाद नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया के सम्राट फ्रांसिस को पवित्र रोमन सम्राट का पद त्यागने को विवश कर दिया इस प्रकार औपचारिक रूप से इस साम्राज्य का अंत हो गया जर्मनी में नेपोलियन के हस्तक्षेप से प्रशा नाराज हो गया क्योंकि वह जर्मनी का प्रमुख राज्य था और मौजूदा अव्यवस्था का लाभ उठाकर स्वयं अपना राज्य बढ़ाना चाहता था 14 अक्टूबर 1806 को जेना और आवर स्टेट के युद्ध में नेपोलियन ने प्रशा को बुरी तरह परास्त किया युद्धो प्रांत संधि के अनुसार हॉलैंड के एक भाग पर नबीन राज वार्सा की डची स्थापित किया गया जिसका अध्यक्ष नेपोलियन के मित्र सेक्सनी को बनाया गया प्रशा की सेना कम कर दी गई क्षतिपूर्ति की राशि ना मिलने तक प्रशा में फ्रांसीसी सेनाएं रहीं इस युद्ध में प्रशा की विख्यात सैनिक परंपरा धूल में मिल गई प्रशा को पराजित करने के बाद नेपोलियन ने रूस पर आक्रमण करने का निश्चय किया ईलो के युद्ध में दोनों पक्षों के मध्य घमासान लड़ाई हुई और हजारों की संख्या में सैनिक मारे गए फिर भी युद्ध अनिर्णायक रहा इसके बाद फ्रीडलैंड के युद्ध 14 जून 1807 में रूस पराजित हुआ रूस को विवश होकर लैट्सिट की संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े लैट्सिट की संधि जुलाई 1807 सम्राट नेपोलियन के उत्कर्ष की चरम सीमा थी नेपोलियन ने अपनी शानदार कूटनीति द्वारा रूस को अपना मित्र बना लिया लैट्सिट की संधि के अनुसार रूस के शासक ने नेपोलियन के द्वारा हॉलैंड जर्मनी तथा इटली में किए गए परिवर्तनों को मान लिया तथा प्रशा के विघटन को भी स्वीकृति दी रूस ने इंग्लैंड के साथ व्यापार न करने का वादा किया लिटसेट की संधि फ्रांस और रूस के संबंधों को सर्वोत्तम समय था इस संधि से यूरोप का सबसे बड़ा देश नेपोलियन की शरण में आ गया इस समय नेपोलियन अपनी शक्ति की पराकाष्ठा पर था तथा नेपोलियन का साम्राज्य अपने शिखर पर था